अरे जल्दी जल्दी जाके बढ़िया बढ़िया आम लेके आते हैं मार्केट से, आमे खत्म हो गया। रात में याद रहता रात में लेके आ जाते, अभी खाने बैठे तो देखते आमे नहीं है। बढ़िया बढ़िया आम लेके आते हैं 10 किलो, काहे कि एक बार मौसम निकल जाएगा तो ऐसा आम मिलेगा कहाँ जो अभी मार्केट में आया हुआ है बढ़िया मीठा मीठा। तोहर आम के स्वाद बारी हटके बा, बारी खटके बा। आम ले लो आम, दशहरी आम, लगराम, मीठा मीठा आम ले लो। ए बाबू आम कैसे दे रहे हो? अरे भैया हमारे पास तो बहुत तरीके का आम है, 500 रुपया केजी वाला आम भी है, 50 रुपया केजी वाला आम भी है, 100 रुपया केजी वाला आम भी है। आप बताइए आपको कौन सा चाहिए? अरे बाबू हमको आम स्वाद वाला चाहिए जिसमें स्वाद हो, 550 से मतलब नहीं होता है, जिसमें स्वाद हो, मीठा लगे खाने में वो आम दो। अरे भैया सब आम में स्वाद है, हम अपना दुकान में ऐसा कोई आम रखते ही नहीं है जिसमें स्वाद ना हो। अरे तो फिर रेट में क्या अंतर रखे हो, कोई 500 में बेच रहे हो, कोई 50 रुपए में बेच रहे हो, जब सब एक जैसा है। अरे भैया तो ग्राहक भी एक जैसा थोड़ी ना आता है, कोई पगला आता है तो कोई जोकर आता है और कोई ढेर होशियार आता है। रे बाबू रे हमको जोकर और पगला तो नहीं बोल रहा तुम? नहीं नहीं आपको काहे बोलेंगे, आप तो बहुत पैसा वाला है। अरे पैसा वाला तो क्या हुआ, बताओ ना रेट में क्या अंतर रखे हो जब सेम है तो। अरे भैया हम ये नहीं बोले कि आम सेम है सब, हम बोले सब आम मीठा है। अरे मीठा है तो सभी अच्छा होगा ना? हाँ अच्छा तो सब है। अरे तो सब बात आप नहीं कर रहे हो, मीठा भी है अच्छा भी है, तो फिर रेट में अंतर का है? कौन तुमसे 500 रुपया किलो मिलेगा, 50 वाला सब नहीं लगा तुमसे? अरे भैया काजू बर्फी लेने जाते हैं ना तो वो भी मीठा होता है, कलाकंद लेने जाते हैं तो वो भी मीठा होता है, लेकिन रेट में अंतर होता है ना, तो वैसे ही हमारा आम में भी अंतर है समझे। अच्छा क्या अंतर है वो बताओ ना जी, वही तो पूछना चाह रहे तब से। अरे भैया ये जो सामने में पड़ा हुआ है ना बड़का बड़का आम साहब, ये 500 रुपया केजी वाला आम है। काहे साइज बड़ा इसीलिए पैसा लगा रहे हो ज्यादा? नहीं नहीं भैया साइज तो इसका बड़ा है, दूसरा इसी आम से शरबत बनता है बढ़िया बढ़िया जो मार्केट में बिकता है ना आम का। ओ अच्छा आम का जो शरबत सब बिकता है बोतल में पैक वो इसी से बनता है? हाँ भैया इसी से बनता है। अच्छा तो एक काम करो यही वाला आम दे दो हमको 10 किलो। ठीक है भैया अभी पैक कर देते हैं, 5000 रुपया हुआ आपका। अरे हाँ हाँ दे देंगे 5000 रुपया, हमारे पास पैसा का कमी है क्या? और सुनो यही वाला आम हमारे लिए और भी मंगवा के रखना, जैसे खत्म होगा तुमसे आके लेंगे समझे। ठीक है भैया ठीक है। अरे आज तो ये वाला आम खाएंगे दबा के और इसका जूस निकाल के भी पियेंगे, देखेंगे मार्केट जैसा निकलता है कि नहीं, मजा आ जाएगा। अरे पापा आम क्यों नहीं लाके दे रहे, कल भी आप आम नहीं लाके दिए थे, खत्म हो गया है कल से, जल्दी लाके दीजिए, मार्केट से आम चला जाएगा तब लाइएगा, पिलपिला आम सब लाके दीजिए हमको। अरे हाँ हाँ भाई लाके दे रहे, कितना आम खाएगा, पूरा गर्मी तो आम ही खिलाया तुमको। अरे गर्मी अभी गया नहीं है जो बोल रहे पूरा गर्मी आम खिलाए है, जब गर्मी चला जाएगा तब हमको आम नहीं खिलाइएगा, जब तक गर्मी रहेगा तब तक आम खाएंगे हम। आम लेके आइए और आम का अचार भी हम आपको बोले थे वो भी लेके आइएगा। हाँ हाँ लाके देंगे भाई, लाके देंगे तुमको आम और आम का अचार। अरे देंगे नहीं, लेके आइए जाइए। हाँ हाँ जा रहे हैं, हड़बड़ाओ नहीं, हमको काम है दूसरा भी। कितना देर में लाके दीजिएगा? 1 घंटा में लाके देंगे, चुपचाप से बैठे रहो। ठीक है तो 1 घंटा बाद हम खाना खाएंगे क्योंकि हम आम के साथ खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। अरे भैया आम कैसे दे रहे हैं? भैया 50 रुपया केजी से स्टार्ट है, 500 रुपया केजी तक का आम है, बताइए आपको कौन सा दे दे। अरे 50 रुपया वाला दे दीजिए, बढ़िया होगा ना? हाँ हाँ भैया बढ़िया एकदम। हाँ तो वही दे दीजिए, इतना महंगा आम कौन खाएगा। तुम्हारे लिए आम लेके आए पूरा 1 किलो, 50 रुपया केजी वाला आम लेके आए तुम्हारे लिए, मार्केट में सबसे महंगा वाला आम लेके आए समझा, खाओ। और ये है आम का अचार का डब्बा, कितना महंगा मिलता है पता भी है तुमको? आम का अचार खाएंगे 200 रुपए का डब्बा है ये। देखा गोरा कदम, कहते हैं ना पापा तुमको हमसे ज्यादा मानते हैं, तुम आम मांगा पापा देखो तुमको तुरंत लाकर दे दिए, तुम अचार मांगा इतना महंगा अचार मांगा पापा तुरंत लाकर दे दिए, और वहीं हम कुछ भी मांगते हमको नहीं लाकर देते बल्कि हमको डांट देते हैं, बोलते तुम पैसा खर्चा करवाता है। अरे क्योंकि हम पापा का बात मानते हैं, तुम पापा का बात नहीं मानते हो ना तो पापा तुम्हारा बात कैसे सुनेंगे, तुम तो जब देखो तब जबान लड़ाते हो पापा से। अरे तो जब पापा हमारे जैसा सलूक करेंगे ना तुम्हारे साथ तब पूछेंगे कितना तुम जबान नहीं लड़ाता है, बहुत होशियार बनता है। अरे हाँ वो सब देख लेंगे, अब ये सब फालतू बात छोड़ो, हमको एक आइडिया आया काला कद्दू, बताओ सही रहेगा? कैसा आइडिया? कि क्यों ना हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करें जिससे हम लोग आमदनी चालू हो, फिर हम लोग भी अपने लाइफ में एंजॉय कर सकेंगे। अरे तो उसके लिए कोई बिजनेस आइडिया होना भी तो चाहिए और पूंजी भी होना चाहिए। हाँ ये भी बात सही है, कोई आइडिया सोचो क्योंकि हमको बहुत आम खाना है, पापा तो 1-2 किलो ऐसे ला के देते है सस्ता वाला आम, बोलते है महंगा आम है, हमको नहीं पता है 50 रुपया तो सबसे सस्ता आम है, हमको आगे बुड़बक बना रहे है, सस्ता आम खिलाते हमको गर्मी का मौसम में भी, हम भी कब खाएंगे महंगा आम सब, हमारे पास पैसा होगा ना तो अपना पैसा से खरीद के आम खाएंगे हम, आज हमको बहुत तकलीफ पहुँचा काला कद्दू पता है, पापा हमसे झूठ बोल के गए और वो सोच रहे कि हमको नहीं पता है, हमको सब पता है, पापा अपना पैसा बचा रहे हैं क्योंकि वो कमाते हैं ना, हम जिस दिन कमाएंगे ना
तो 10 किलो लेंगे हम, वो भी महंगा वाला, और भर पेट खाएंगे, इसीलिए हमको पैसा कमाना है। अरे आम से एक आइडिया है रे गोरा कद्दू। अरे कैसा आइडिया, आम से कौन सा आइडिया आया तुमको? अरे आम से खास आइडिया आया है। अभी पापा तुमको क्या बोले, आम 1 किलो 50 रुपया का है और जो अचार है वो 200 रुपया का है। एक बार सोच कर देखो कितना मार्जिन है, 50 रुपया का आम और अचार 200 रुपया का, कितना मार्जिन है। अगर हम लोग भी ऐसा धंधा स्टार्ट करें मिलकर तो कितना पैसा कमाएंगे, माला माल हो जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा हम लोग के पास। क्या बोलता है गोरा कद्दू, पार्टनरशिप में काम करेगा मेरे साथ? मार्केट से आम हम उठाएंगे और अचार तुम बनाना बैठकर। अरे हाँ रे काला कद्दू, आइडिया तो बहुत अच्छा है, सस्ता आम लाके अचार बेचेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन हमको बुड़बक मत समझो, तुम भी अचार बनाओगे हम भी अचार बनाएंगे और आम भी दोनों लेके आएंगे। बुड़बक समझा है, अचार हम बनाए तुम आम लाके दोगे, दोनों मिलके काम करेंगे ना तब पैसा ज्यादा आएगा, समझे? कान चोरियत मत करो, फिर तुम भी ऐश करना। ठीक है लेकिन गोरा कद्दू इसके लिए भी पैसा लगेगा, आम खरीदेंगे पैकेजिंग का सामान खरीदेंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे काला कद्दू नीचे देखो, टकला नेता आया है आम लेके। अरे हाँ रे गोरा कद्दू, ये तो आम भर के लेकर आया, वो भी रिक्शा में, और इसका तो महंगा आम सब लग रहा है, काश हमको भी आम मिलता तो हम भी खाते। अरे गोरा कद्दू चिंता मत करो, खाएगा इससे ज्यादा खाएगा, जब हम लोग कमाएंगे ना पैसा आएगा तो इससे ज्यादा खरीद कर लेंगे, हम लोग ट्रक भर के लेकर आएंगे आम। अरे वो तो खाएंगे, लेकिन अभी हमको आम देख के बहुत मन कर रहा खाने का, कोई तो आइडिया लगाना पड़ेगा। आइडिया काला कद्दू, एक काम करे, पापा जो सस्ता आम लाए उसका आम का अचार बना के बेच देंगे और टकला नेता के घर से ये आम सब चोरी कर लेते हैं, कोई आइडिया लगाओ। नहीं नहीं पागल, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। एक बार याद है ना, तरबूज चुराए थे टकला नेता के घर से, कितना बड़ा बवाल हो गया था, थाना तक बात चला गया था। ये तो आम है उससे भी महंगा, आर्मी तक बात चला जाएगा। और जब से तरबूज चोरी किए ना टकला, अपने घर में कैमरा भी लगा दिया है, रिस्क है बहुत। अरे तो हम दोनों भाई बिना रिस्क वाला काम करते भी कहाँ है, रिस्क होगा तभी ना मजा आएगा, कैमरा लगाया है तो क्या हो गया, हम लोग मुंह ढक के चलेंगे, कपड़ा पहनेंगे ऐसा ना टकला को पता ही नहीं चलेगा कौन आया था और कौन लूट के चला गया। क्या बोलता है काला कद्दू, डरो नहीं, तुम तो काला कद्दू है, तुम्हारा होने वाला ससुर है, पकड़ भी लिया तो क्या होगा, माफी मांग लेना। ऐसे हम दोनों जब मिल जाते हैं ना तो हम लोग को कोई नहीं पकड़ पाता, ये बात तो तुमको पता ही होगा। क्या बोलता है, करेगा चोरी? करते हैं टकला के घर से आम का चोरी, तुम भी खाना मीठा मीठा आम और सस्ता आम का अचार बेचेंगे तो होगा हम लोग का नाम। चलो तुम इतना बोल रहे, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, अगर चोरी कर लिया तो बढ़िया बढ़िया आम खाने को मिलेगा। अरे हा 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 हा, क्या आम है, क्या खुशबू है, आज तो दबा के खाएंगे, मजा आ जाएगा, इतना बढ़िया आम 500 रुपए किलो वाला, इसीलिए आज हम खाना वगैरह नहीं बनाए हैं, बढ़िया से खाएंगे दबा के। आम खाए सैया हमार, होठवा पे रंग लाल लाल लाल। अरे ये तो गाना लगता है मिक्स हो गया, पान खाए सैया हमार था, हम आम खाए सैया बना दिए। चलो कोई नहीं, अब आम खाते हैं। अरे काला कद्दू देखो टकला आम खा रहा है बैठ के, चलो चलते अंदर, लाइट बंद करके चोरी करेंगे, और लगता है अब तो टकला को मारना भी पड़ेगा क्योंकि आम के बगल में बैठा है, लेकिन ये आम खाने के लिए हमको टकला को मारना पड़ेगा तो हम मारेंगे, चलो। अरे लाइट कैसे चला गया, अरे चलो हमको चलो कौन है, अरे रे 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 चलो चलो छोड़ता कि नहीं छोड़ता, कौन है रे कौन है, हट हट हट, अरे रे रे रे, अरे कौन था हमको मार के चला गया पागल साहब, चोरेंगे नहीं देह तोड़ देंगे। अरे हमारा आम कहाँ गया, हमारा आम तो यही था, इस साला क्या हो रहा है, हम चोरेंगे नहीं, कौन था? दोस्तों आप लोग देखे क्या, कौन हमको मार के गया, कौन हमारा आम चोरी किया, अगर देखे तो कमेंट करके बताइए, चोरेंगे नहीं साले लोग को। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारा नया चैनल है।